उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर ग्रामीण विकास विभाग के स्वच्छता एवं पेयजल के अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहा है। ये विषय सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सीधा संबंध आम आदमी से है। ये बुनियादी जरूरत का विषय है और आज जिस तरह से हमारी सरकार ने इसको एक मिशन के रूप में लिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी के उस कार्य को जो पिछली सरकारों को पूरा करना था लेकिन वो सरकारें तो नहीं कर पाईं, लेकिन हमारी सरकार ने इसको पूरा करने का जो संकल्प लिया है 2019 तक, जब देश महात्मा गांधी जी की आजादी का, महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस का 150वां वर्ष मनाएगा, तब तक हमारा देश पूरी तरह से स्वच्छ भारत के रूप में बन जाएगा। यह संकल्प लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वच्छता का जहां तक संबंध है, इसका जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, आज पूरे देश में विभिन्न वर्गों में उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकारों के विभागों की तरफ से भी और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू अपने हाथ में उठाया और उसके बाद देखा गया कि देश के चाहे कोई कितने बड़े ओहदेदार क्यों ना हो, सभी ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया। खिलाड़ी, साहित्यकार, अधिवक्ता, न्यायाधीश, उद्योगपति, छात्र, महिला, पुरुष, सभी लोगों ने जिस तरह से इस अभियान को अपने हाथों में लिया है, तो निश्चित तौर पर इसे पूरा होना ही हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां तक हम लोग मानते हैं कि पंचायतों को दायित्व मिला हुआ है, लेकिन पंचायतें इसको करने में सक्षम नहीं है। हमारी ग्रामीण विकास मंत्री जी से मैं कहूंगा, उनके पास एक मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना को ग्रामीण स्वच्छता के साथ जोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से उनको आजादी मिले, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसे मजदूरों की संख्या तय हो जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को अधिकार मिले, ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता का विशेष रूप से ख्याल रख सके। आज गांव में वो वातावरण नहीं रह गया जो पहले था। ये बात अलग है कि जब सरकार ने अभियान को शुरू किया तो आज उसमें बड़ी मात्रा में लोग जुड़ गए, और इसके साथ साथ मनरेगा को अगर जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें सफलता हमें मिलेगी। वाटर टेबल आज दिनों दिन नीचे जा रहा है। जो हमारे पिछले जो अभियान चले थे जल प्रबंधन के, राजीव गांधी वाटर मिशन चला था, लेकिन वो संरचनाएं आज सब टूटी पड़ी हुई है। जो पानी रोकने की व्यवस्था थी वो मुझे लगता है संधारण न होने के कारण वो कहीं ना कहीं काफी उससे नुकसान हुआ है और बरसात के जल को हम रोकने में अक्षम है। तो पूरे उस पर एक विचार सरकार को करना चाहिए कि वो जो पुरानी संरचनाएं बनी थी बरसात के जल को रोकने के लिए, उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी फिर से ग्राम पंचायतों को दी जाए ताकि उसका रख रखाव कर सके। अक्सर देखा जाता है कि बरसात पूरी खत्म हो जाती है लेकिन जो स्टाफ डैम बना हुआ है उसका दरवाजा बंद नहीं होता। जब पंचायतों से पूछते हैं, विभाग वालों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि इसको लगाने के लिए हमारे पास धनराशि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत जरूरत है। अरबों रुपए उसमें खर्च हुआ था वाटर सेट में। अभी यहाँ पर हमारे कुछ साथी चर्चा कर रहे थे कि बहुत कुछ ऐसी संस्थाओं ने वाटर सेट का काम किया था। निश्चित तौर पर आज भी वो संरचनाएं मौजूद है। जो पहाड़ों में कंटूर ट्रंच बने थे, कंटूर ट्रंच फिलिंग हो गए, अब उनको पुनः एक बार फिर से उनको गहराकरण करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जल प्रबंधन आज इतना आवश्यक हो चुका है, आने वाले समय में इतनी भयंकर स्थिति खराब होने वाली है पूरे देश में। वाटर टेबल खराब हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, उसको कैसे रखरखाव करें। अभी हमारी रेलवे ने भी सफाई का और पेयजल का दो बड़ा अभियान अपने हाथों में लिया है और निश्चित तौर पर इससे सफाई के सारे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। अब तो रेलवे स्टेशन भी ठीक दिखने लगे और गाड़ियों के डिब्बों में भी कहीं ना कहीं सफाई का असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बात सही है कि आज भी रेलवे स्टेशनों में जो पानी है, वो पानी अभी जितना साफ सुथरा यात्रियों को मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं आरओ वाटर की जो बात चली है, निश्चित तौर पर उसकी जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कुपोषण है, जो बीमारी है, वो गंदा पानी पीने के कारण हो रही है। इसको रोकने के उपाय हमें और मजबूती के साथ करना चाहिए। आज पूरे देश का जिस तरह से इसमें ध्यान आकर्षित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। और ये अभियान पूरी तरह से सफल हो, सिर्फ सरकारों का एक कार्यक्रम न रह जाए बल्कि जन आंदोलन बने।
इससे आम जनता को जुड़ना पड़ेगा, हम सबको। ना हम गंदगी करेंगे, ना तो किसी को करने देंगे। इस सिद्धांत को लेकर के हम लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।